के फायर ब्रांड नेता और सांसद महुआ मोइत्रा बीजेपी के हर वार पर तीखा पलटवार कर रही हैं। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में महुआ चौतरफा घिरती नजर आ रही है। इस बीच उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने महुआ का साथ देते हुए कहा है, सरकार को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार एक विशेष उद्योगपति की रक्षा करने के लिए इतना तत्पर है कि कोई भी उनके खिलाफ सवाल पूछे तो वो देश के दुश्मन बन जाते हैं। हम जब सदन में जाते हैं तो जनता के नुमाइंदे होते हैं, सवाल जहां से भी मिले हम उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह से एथिक्स कमेटी बनाना, तफ्तीश शुरू करना, ये मैंने कभी नहीं देखा। क्या हुआ मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन सदन के अंदर हर सदस्य को बोलने का अधिकार है, इसलिए यहां से लग रहा है कि इसे राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। महुआ मोइत्रा के अडानी को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी शिकायत संसद की आचार समिति में की है। वहीं दूसरा मामला रोटविलर डॉग से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और महुआ के करीबी रहे जय आनंद देहाड़ी का आरोप है कि तृणमूल सांसद ने उनके डॉग की चोरी कर गैर कानूनी रूप से अपने पास रखा है। महुआ ने इन मामलों में दो पन्नों का एक बयान भी जारी किया है। उनका कहना है कि ये एक साजिश है। हाल ही में महुआ की कुछ निजी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। महुआ ने इसे बीजेपी की करतूत करार दिया था। वहीं महुआ मामले में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखी है, जो कई सवाल उठाती है।